मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज जो दरबार है वो मैं हटाने जा रही हूँ, और यहाँ पर जो जल था कलश में, जो चावल थे, उसका मैं क्या करती हूँ वो बताती हूँ आपको। तो जल को तो सबसे पहले मैं पूरे घर में छिड़क दूंगी, जितने भी कमरे हैं, रसोई है या फिर बालकनी है। बाकी का जो बचा हुआ जल है वो मैं चढ़ा देती हूँ तुलसी जी को। ऐसा मैं करती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी ऐसा ही करते हो, क्योंकि क्या है ना, आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग बहुत ज़्यादा जज करने लगे हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ जो कलश में जल रहता है उसका। तो तुलसी जी को जल चढ़ा दिया, अब बचे चावल। चावल को भी मैं हर कोने में थोड़ा थोड़ा छिड़क दूंगी, और उसके बाद जो बाकी के चावल है वो पशु पक्षी को आप खिला सकते हो। कलश को ना जब स्थापित कर दिया, उसके बाद एकदम से नहीं उठाना है, एक बार हिलाकर एंड देन दूसरी बार में आपको कलश उठाना है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप धीरे धीरे नॉलेज करते हो अपनी लाइफ टाइम में, और सब चीज़ें तो आप परफेक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है यहाँ पर भी कोई ना कोई आपसे गलती हो जाए, तो उसके लिए माता रानी का दिल बहुत बड़ा है, उनसे क्षमा मांग सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें लगाई थी वापस से मैं उन्हें रख दूंगी, जिससे कि अगले साल या अगली बार जब नवरात्रि आए तो उसमें भी मेरी ये चीज़ें काम में आ जाती हैं। प्लस कुछ नए एडिशंस भी मैं कर लेती हूँ हर साल, जिससे कि कुछ नया दरबार लग जाए, उससे मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। पूरे 9 दिन जब तक ये दरबार लगा रहा, तब तक बहुत अच्छा लगा है। दिल में एक होती है ना उमंग, वो महसूस करी है मैंने पूरे नवरात्रे। हमारे यहाँ अष्टमी पूजा होती है, इसीलिए मैंने 8 खिला दी थी। कुछ लोगों ने कहा था आपको भी 9 दिन तक व्रत रख के एंड देन कंचिका जिमानी चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है जो आपके ससुराल में होता है वही चीज़ें करनी चाहिए। हो सकता है कि मेरे ससुराल में वो 9वीं ना खिलाई जाती हो, उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न हो और मैं वो काम कर लूँ पहली बार, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आज ना थोड़ी बहुत सफाई करूँगी, क्योंकि नवरात्रि में मैं घर को टाइम नहीं दे पाई अच्छे से, डीप क्लीनिंग वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग चल रही थी, और कर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा मुझे गंदे लग रहे थे। मैं कई दिनों से सोच रही थी सारे कर्टेंस उतार के फिर से वॉश करूँगी। मुझे ना घर की देख रेख करना, घर को सजा के रखना, घर को हमेशा साफ रखना, इसमें जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा घर को अरेंज करती रहती हूँ, या फिर नई चीज़ें लाकर उन्हें बदलती रहती हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर में एक पॉजिटिविटी आती है। तो आज मैंने ठान ही लिया था, लैडर निकाली, सारे पर्दे खुद उतारे, फैन वगैरह खुद साफ़ किया मैंने। लैडर से इतना अच्छा हो गया है कि मुझे किसी के हेल्प की अब ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अकेले ही सारा काम कर लेती हूँ। पहले मुझे इन चीज़ों के लिए प्रशांत को रिक्वेस्ट करना पड़ता था, और उनके पास समय नहीं होता था, फिर उनका टाइम देखना पड़ता था कि जब वो फ्री होंगे तब ये काम होगा। अब मैं उसके भरोसे नहीं रहती हूँ, कि कहते हैं ना कि अपना काम जितना खुद कर सकते हो बेहतर है, इससे क्या होता है घर में शांति बनी रहती है। इस रूम में जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मफिन भी सो रहा है, हो सकता है उसकी आवाज़ें आए सासों की, तो प्लीज इग्नोर दैट। यहाँ पर ना मैं क्या कर रही हूँ, कर्टेन है ना उसके जितने भी रिंग्स हैं उनको एक साथ टाई कर दूंगी, क्योंकि मैं इसे मशीन में वॉश करने वाली हूँ। और जब हम मशीन में वॉश करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो रिंग है वो मुड़ जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। ऐसा करने से ना तो रिंग मुड़ेंगे और ना ही टूटेंगे। सारे के सारे मैंने कर्टेन लिए, मशीन में डाले, और मैंने लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ किया है इनके लिए, वरना सर्फ जो है वो चिपक जाता है। तो लिक्विड डिटर्जेंट ही मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, या फिर इजी में वॉश करती हूँ मैं ज़्यादातर। ये सब काम ख़त्म करते करते भी दोपहर हो गई थी, और खूब तेज़ धूप निकल रही थी आज। मतलब जैसे मैं कपड़े वॉश करके बाहर सुखाती थी, 1 घंटे के अंदर कपड़े सूख रहे थे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठा, साथ में बनाया है बैगन का भरता। जब मैं बैगन का भरता बनाती हूँ तो उसके साथ पराठा ज़रूर बनाती हूँ, अगर दाल बनी है तो रोटी बनती है, क्योंकि पराठे मुझे बैगन के भरते के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मुझे साफ करना था सोफा। सोफा भी मुझे काफ़ी गंदा लग रहा था, लाइट कलर का सोफा है, हालांकि कवर डाल के रखती हूँ, फिर भी डस्ट तो आती है या हाथ तो लगते ही हैं। तो सोफे को मुझे आज खाली ड्राई नहीं क्लीन करना था, बल्कि मुझे इसके स्पॉट्स वगैरह जो थोड़े बहुत ग्रीस व्रीस आ जाती है वो सब भी निकालनी थी। तो सबसे पहले मैंने ड्राई वाला जो वैक्यूम क्लीनर था वो चलाया, फिर थोड़ी देर छोड़ दिया, फिर मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के लिए आ गई। कैबिनेट्स वगैरह साफ करनी थी, सामने जितने भी शीशे लगे हुए हैं इन्हें भी वंस अ वीक साफ करना ही पड़ता है, काम तो बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर मैं निकाल के ले आई अपनी ड्राई क्लीनिंग वाली मशीन, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है। कोई भी स्पॉट पड़ जाए, कुछ भी डस्ट अंदर भी हो सोफे के, वो तक ये खींच लेता है।
जैसे आप अर्बन कंपनी से करवाते हो ना सोफा क्लीनिंग वगैरह, वैसा ही सोफा क्लीन आप घर पे इस टूल की वजह से कर सकते हो। बहुत ही अच्छी मशीन लगती है मुझे ये, हैंडी टैंडी है घर में, बाकी लोगों ने भी यूज करके देखा हुआ है। तो बस मैंने इसको निकाला, पूरा सोफा इससे क्लीन किया, ऐसा लग रहा था जैसे कि आज मैं नया सोफा लेके आई हूँ, पूरा चमक गया था। कुछ लोगों ने मेरी टॉलरेंस के बारे में बात करी है कमेंट सेक्शन में रिसेंटली, तो मैंने भी पढ़ा, तो मेरा बात करना तो ज़रूर बनता है। मेरी टॉलरेंस पावर की आप बात मत करो तो वही बेहतर रहेगा। पिछले 6 सालों से मैं यूट्यूब पर हूँ और मैंने हर तरह का समय देखा है, हर तरह के कमेंट पड़े हुए हैं। कोविड में भी मैं टिकी रही और हर टाइम पर मैंने आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियोस दिए हैं, लेकिन पहले और अब में जो मैंने अंतर नोटिस किया है लोगों में भी बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। पहले जो लोग बातें छोड़ देते थे अब छोटी छोटी बातों को पकड़ने लगे हैं, जो कि थोड़ा सा फील होता है। और अगर आप इस पे ये बोलोगे कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे ये सब बातें सुनने की आदत होनी चाहिए, हाँ अच्छी बात है, आदत होनी चाहिए, मैंने भी डाल रखी है, लेकिन सच्ची सच्ची बताना अपने दिल पे हाथ रख के, कल को कोई आपको कुछ बोले तो क्या आप सुन लोगे? आप तो तुरंत उसे जवाब दोगे। ये सारा काम खत्म करते करते मुझे 7:30 बज गए थे और ये मैंने काम स्टार्ट किया था 11:30 के करीब, और मैंने शावर ले लिया था, सुबह भी पूजा हो गई थी, फिर दोबारा शावर लिया क्योंकि इतनी सफाई करने के बाद मैं ऐसे तो नहीं रह सकती थी। वैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है, मैं गई नहाई, उसके बाद दियाबाती करी, शाम की आरती करी और फिर आगे किचन में, क्योंकि काम तो अभी भी नहीं ख़त्म हुआ है। थोड़ी बहुत सब्जी आई थी घर में, मैंने सोचा उसको अरेंज कर देती हूँ, धनिया आलू टमाटर जो थोड़े बहुत दिन के लिए चल जाए मैं उतने ही लेकर आई थी। आजकल जब भी बाहर निकलती हूँ तब सब्जी ले आती हूँ, वरना आंटी तो लेकर आती ही आती हैं, तो इस तरीके से होता रहता है। मैं ज़्यादा सब्जी फ्रिज में इकट्ठी नहीं करती, जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ही लाती हूँ। और जब कभी मैं इतनी लंबी चौड़ी वाली सफाई फैला लेती हूँ ना, तो उसके बाद बस मेरे पास हिम्मत बचती है दाल चावल, नहीं तो खिचड़ी बना दो, नहीं तो कोई सूखी सब्जी से रोटी खा लूँ। तो बस वो हो चुका था सुबह, तो मैंने सोचा शाम को बनाते हैं दाल चावल और साथ में बनाते हैं एक गर्म चाय, जिससे कि सर का जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत देर से लगी हुई थी, बिल्कुल सांस भी नहीं ली, मैं एक पल के लिए नहीं बैठी थी, लगातार लगी हुई थी। मतलब 4-5 घंटे लग जाते हैं यार, थोड़ा बहुत भी काम करने चलो, पहले कपड़े वॉश करो फिर सुखाओ, ऐसे कर करके मैंने 2-3 लॉट वॉश कर लिए थे। और जो सुबह मैंने कर्टेन वॉश किए थे वो भैया 1-1.5 घंटे में सूख भी गए, फिर वापस मैंने उन्हें डाला। तो ये सारी चीज़ें ना लगती छोटी छोटी हैं बताने के लिए, लेकिन काम बहुत फैलता है इन सब में। कभी कभी आप लोगों को रूटीन ब्लॉग बहुत पसंद आते हैं, तो आज जो मैं ये काम कर रही हूँ उसको शेयर करने के पीछे बस यही रीज़न था। कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, बल्कि कमेंट सेक्शन में लिखते भी हैं, काफ़ी टाइम से अपने अपना रूटीन ब्लॉग नहीं शेयर किया है। ऐसे तो आप बाहर के ब्लॉग या फिर रेसिपी के ब्लॉग शेयर करते रहते हो, लेकिन आप डेली लाइफ में क्या करते हो हम उसे भी देखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज सफाई कर ही रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ ये शेयर करूँ। अदरवाइज़ मैं ऑफ कैमरा, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है मैं उस दिन करती हूँ ये साफ़ सफाई वाले काम। नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी आई है, वो है चमकीला, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, कल मैंने वॉच करना स्टार्ट किया था, इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं पूरी एक स्ट्रेच में वॉच कर पाऊं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो बस अभी फटाफट से बैड ठीक कर रही हूँ। आजकल हम लोग कशिश के रूम में ही सोते हैं, ये थोड़ा ठंडा रहता है कमरा, प्लस हमारे रूम की एसी की सर्विसिंग नहीं हुई अभी तक, उप तो कर रखा है, आया ही नहीं है बंदा, कमरा थोड़ा ठंडा रहता है हमारे वाले रूम से। हमारा वाला जो रूम है वो विंटर के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन फ्रंट फेसिंग होने की वजह से थोड़ा गर्म ज़्यादा हो जाता है। फटाफट से बैड बना के मैं निकलने वाली हूँ योगा क्लास के लिए, योगा क्लास अटेंड करूंगी अभी, फिर आके देखेंगे क्या करना है। This. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do. Selfish and made you believe that you're not.
इनको चाय देने के बाद मैं चली गई थी अपनी योगा क्लास, और वहाँ पर मेरा 1-1.5 घंटा निकल जाता है। फिर वापस आती हूँ, तब मैं अपने किचन के काम देखती हूँ। Good enough, but you're all I need. I'll take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to जल्दी जल्दी घर आके मैंने फटाफट से आलू बॉईल किए और उनको फिर छीला। उसके बाद मैं इसका एक मसाला तैयार करने वाली हूँ, और इस मसाले में मैं वो सारे मसाले डालूंगी जो कि मैं समोसे के मसाले में डालती हूँ, जैसे हल्दी है, नमक है, काली मिर्च है, जीरा पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से भूनने वाली हूँ। खूब सारा धनिया और हरी मिर्च डाल के बहुत ही टेस्टी चटपटा मसालेदार ये मसाला बन के तैयार होगा, जिसके हम बनाएंगे रोल। आज मुझे नहीं पता मैं कितने साल बाद ब्रेड रोल बना रही हूँ। बचपन में कशिश के टिफिन के लिए बनाती थी, बाद में जब वो बड़ी हो गई तो उसने वो भी खाना बंद कर दिया। और हम लोग इसलिए नहीं खाते थे, बड़ा ऑयल पीते हैं यार, ये बड़े ऑयली होते हैं, नहीं खाएंगे, तो इस चक्कर में खा ही नहीं रहे। कब से नहीं बनाए मुझे खुद नहीं याद, मेरी किचन में बने ही नहीं है बहुत सालों से। और मुझे बचपन याद आता है, जब भी मैं ब्रेड रोल सोचती हूँ दिमाग में कि बचपन में संडे का दिन होता था, मम्मी किचन में ब्रेड रोल बनाती थी, कितने टेस्टी लगते थे। तो आज सच में दिल कर रहा है उसे खाने का। और प्रशांत भी मुझे कई दिनों से बोल रहे थे, यार तुमने ब्रेड रोल तो बिल्कुल बनाने ही छोड़ दिए, तो आज बनाएंगे अच्छे से ब्रेड रोल। सारे मसाले मैंने आलू में डाल दिए, इसको बस भूनना है अब, और खूब सारा धनिया और हरी मिर्च डाल के। I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more.